आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी बाइनेंस अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो बस कुछ ही मिनट के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर आपको बाइनेंस अकाउंट कैसे बनाते हैं, किस तरह से इसका KYC करते हैं यानी कि वेरीफाई अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसके बाद अपने अकाउंट को किस तरह से सिक्योर बना सकते हो ताकि आपकी जो अकाउंट है वो हैक ना हो, उसके अलावा आप अपनी कोई भी दूसरी प्लेटफॉर्म जहां से आप माइनिंग करके आप उसकी उस माइनिंग एड्रेस को आप अपने बाइनेंस एड्रेस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो वो भी बताऊंगा। और ये जो सारे के सारे प्रोसेस है वो बस आप 2-3 मिनट के अंदर ही कर सकते हो, और 2-3 मिनट इस्तेमाल करके अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद सही तरीके से सब कुछ करते हो तो बस आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के अंदर आपकी जो प्रोसेस है वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और आपकी जो अकाउंट है वो वेरीफाई अकाउंट हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन पे बाइनेंस अकाउंट की लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर के अंदर जाके भी बाइनेंस अकाउंट को डाउनलोड कर देना। डाउनलोड करने के बाद आप जैसे ही सबसे पहले आप उसे ओपन करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आपको पूछा जा रहा है आप क्रिप्टो करेंसी पे न्यू हो या फिर प्रो हो। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे न्यू होता है तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, आप चाहते हैं पे दूसरे ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास इस तरह से एक टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, आपको यहाँ पे सिंपल सा एक्सेप्ट ऑल की ऊपर क्लिक कर लेना है। अभी आपको यहाँ पे जो करना है साइन अप की ऊपर क्लिक करना है क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे न्यू अकाउंट बनाना है। जैसे साइन अप के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से एक पेज डिस्प्ले हो जाएगा जहाँ पे आप अपने किसी भी एक ईमेल आईडी या फिर किसी भी एक एक्टिव मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे टाइप कर लेना। और आपको ध्यान में रखना है वो ईमेल आईडी या फिर वो मोबाइल नंबर आपके पास ही होना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर एक 6 डिजिट का OTP आएगा। तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी, मैं यहाँ पे ईमेल आईडी को टाइप करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मेरे वो ईमेल आईडी के अंदर एक OTP भेजा गया है, मैं उस OTP को यहाँ पे बिठा के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप यहाँ पे 8 डिजिट का कैरेक्टर से लेकर 128 डिजिट का आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एक पासवर्ड को रखिए जिसके अंदर एक नंबर होना चाहिए और एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, उसके बाद आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। तो ये सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग एक ऐसा पासवर्ड क्रिएट कर लेना जो 8 डिजिट से लेकर 128 डिजिट तक हो सकता है। जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको कोई इन्वाइट किया है, तो आप यहाँ पे यस की ऊपर क्लिक कर लेना। यस की ऊपर क्लिक जैसे ही करोगे रेफर आईडी पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन की ऊपर एक रेफर आईडी दिखा दे रहा होगा, आपको ये जो रेफर आईडी है इसको आपको कॉपी कर लेना है या फिर आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, आप वहाँ से वो रेफर आईडी को डाल ये देख के यहाँ पे सेम टू सेम टाइप करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे $100 का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। टाइम के साथ साथ यहाँ पे इसका जो ऑफर है ये अलग अलग होता है। तो आप जैसे ही यहाँ पे रेफर आईडी को डाल के यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से एक ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो कंट्री है वो यहाँ पे सबसे पहले बताया जाएगा। मेरा यहाँ पे इंडिया है तो इंडिया दिखा दे रहा है, आपकी जो कंट्री है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा और आपको यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ पे आपकी जो ये जो प्रोसेस है अभी आपको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट आईडी को डाल के आपको यहाँ पे अपने अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, एक गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड को आपको अपलोड करना है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे लाइवनेस चेक करना है। तो आपको यहाँ पे जो करना है आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे नेशनलिटी आ जाएगा, आप यहाँ से अपनी कंट्री को दोबारा सेलेक्ट कर लेना जो कि हमारे यहाँ पे इंडिया है, तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर देते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर लेना। इंडिया को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है वेरीफाई आधार विथ OTP। अगर आपकी मोबाइल नंबर के साथ अपने आधार कार्ड लिंक है तो आप यहाँ पे रिकमेंडेड आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, बाइनेंस की तरफ से रिकमेंड किया गया है। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो बस आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर ही आपकी जो अकाउंट है वो वेरीफाई कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो करना है आपकी मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक है तो आप यहाँ पे इसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आपकी आप चाहो तो यहाँ पे आधार डॉक्यूमेंट इसको फिर भी क्लिक कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आपको यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड करना पड़ेगा या फिर आप यहाँ पे पासपोर्ट को अपलोड कर सकते हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस को, किसी भी एक चीज़ को आप यहाँ पे सिलेक्ट करके उसकी नंबर को टाइप करके आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे वेरीफाई आधार विथ OTP इसको सिलेक्ट करता हूँ और नीचे की तरफ जो कंटिन्यू का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट जो पेज है वो कुछ इस तरह से मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ पे आपको जो करना है आपकी जो आधार नंबर है 12 डिजिट का आधार नंबर है उसको आपको टाइप करना है, नीचे की तरफ जो कैप्चर है उसको सेम टू सेम टाइप करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपकी आधार के साथ लिंक है उसके अंदर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल के आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे अगर आपकी डिजी लॉकर के साथ अकाउंट बना हुआ है तो आपको यहाँ पे डिजी लॉकर की जो पिन है वो डालने के लिए कहा जाएगा।
अगर आपकी डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो उस सिचुएशन पे आपको यहाँ पे आपकी जो पैन नंबर है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है मैनुअली। और आपकी डिजी लॉकर अकाउंट है तो आपको आपकी डिजी लॉकर अकाउंट की जो पिन है वो आप टाइप कर देना। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा आपको अलाउ कर देना है आपकी आधार और आपकी पैन डिटेल्स को कलेक्ट करने के लिए। आप जैसे अलाउ करोगे या फिर आपके पास यहाँ पे पैन नंबर, इस तरह से पैन नंबर आपको पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे अपने पैन नंबर को डाल देना तो आपकी डिजी लॉकर होगा। तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड डालने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, आपकी डिजी लॉकर से ही आपकी पैन कार्ड प्लस आपकी जो आधार कार्ड है उसका एक्सेस ले लेगा और आपकी जो अकाउंट है वो अंडर रिव्यू पे चला जाएगा और आपके पास इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। और आपको यहाँ पे बस गो टू होम पेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे आपकी जो पेज है, आपकी जो अकाउंट है वो यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा आपकी जो अकाउंट है वो अंडर रिव्यू पे है। आप यहाँ पे डिजी लॉकर के थ्रू करोगे तो आपको यहाँ पे आध घंटे से लेकर एक घंटे के अंदर आपकी जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा और आप यहाँ पे मैनुअली अपनी जो पैन नंबर है उसको आप टाइप करके अपलोड करते हो तो उस टाइम पे आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ सकता है। एक दिन तक आपको यहाँ पे आपकी अकाउंट वेरीफाई होने के लिए वेट करना पड़ सकता है। तो चलिए, मैं आधे घंटे से लेकर एक घंटे बाद मैं आपसे आगे मिलता हूँ। तो लगभग मेरे जो यहाँ पे अकाउंट है वो यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है। मैं यहाँ पे अपने अकाउंट को ओपन करके देखता हूँ। तो मैं सिंपल से अपने अकाउंट जो है वो यहाँ पे ओपन किया है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर की तरफ जो साइन अप प्लस यहाँ पे वेरिफिकेशन लिखा हुआ था, वेरिफिकेशन के ऊपर भी टिक लगा वो लग गया है। और तीसरा जो यहाँ पे ऑप्शन है डिपॉजिट यहाँ पे करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मतलब मेरा जो अकाउंट है यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है और मैंने आपको यहाँ पे अकाउंट जो है वो यहाँ पे डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाई करके दिखाया था। आपने ये जो बाइनेंस अकाउंट है इसको आप किसी जैसे हैमस्टर कॉम्बेट हो गया, कैटीजन हो गया, इस तरह का अलग अलग जो जहाँ पे आप माइनिंग कर रहे हो वहाँ पे आप अपने इस अकाउंट को कनेक्ट करना चाहते हो, बाइनेंस अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हो, ताकि वहाँ पे जैसे ही एयरड्रॉप लॉन्च हो उसका जो कॉइन जो भी टोकन आपको मिलेगा वो यहाँ पे सीधे आपकी बाइनेंस अकाउंट के अंदर आ जाए। तो उसके लिए आपको जो करना है, आपको सिंपल सा यहाँ पे जो डिपॉजिट वाला ऑप्शन है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे डिपॉजिट क्रिप्टो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सी आपके पास लिस्ट आ जाएगा। आप यहाँ पे ऊपर की तरफ, जैसा कि मैं यहाँ पे हैमस्टर HMST लिखे सर्च करता हूँ तो यहाँ पे हैमस्टर कॉम्बेट जो है वो यहाँ पे आ चुका है। आपको यहाँ पे नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे टोन कॉइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपकी हैमस्टर की जो डिपॉजिट एड्रेस है और यहाँ पे हैमस्टर की जो मेमो एड्रेस है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से आप जो भी कॉइन को आप यहाँ पे ऐड करना चाहोगे वो कॉइन बाइनेंस के अंदर लिस्टिंग हो गया है तो उसका जो डिपॉजिट एड्रेस है उसको आपको कॉपी करना है और आपकी जिस माइनिंग प्लेटफॉर्म से आप माइनिंग कर रहे हो वहाँ पे जाके उसी माइनिंग प्लेटफॉर्म की नाम आपको यहाँ पे सर्च करना है और उसकी जो एड्रेस है, उसकी जो मेमो एड्रेस है, उसको आप वहाँ पे जाके सेट करके आप सेव कर दोगे तो आपकी जो अकाउंट है वो यहाँ पे बाइनेंस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आने वाला टाइम पे आपकी जो टोकन है वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी बारी आते हैं आपकी ये जो अकाउंट है इस अकाउंट को आप सिक्योरिटी यानी कि हैक होने से कैसे बचा सकते हो, कौन सा प्रोसेस है वो चलिए आप जानते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ आपकी जो अकाउंट की लोगो है आपको उसकी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी अकाउंट की साइड पे छोटा सा जो लोगो है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जो सिक्योरिटी वाला बटन है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पे जो करना है सबसे पहले पास की को आपको एक्टिव करना है। आपकी जो मोबाइल फ़ोन है वो बायोमेट्रिक सपोर्टेड है तो आपको यहाँ पे अपने फिंगरप्रिंट से अपने इस अकाउंट को लॉक कर लेना है। उसके बगल पे है ऑथेंटिकेशन ऐप, आपको यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेशन ऐप को थ्रू आपको यहाँ पे अपने अकाउंट को वेरीफाई करके रखना है ताकि आने वाले टाइम पे कोई भी आपकी अकाउंट को हैक ना हो सके और आपकी जो माइनिंग किया हुआ आपकी जो मेहनत की पैसे है उसको कोई हैक ना कर सके। उसके लिए आपको ये जो पहला दो ऑप्शन है आपको इन दोनों ऑप्शन को आपको यहाँ पे एक्टिव करना पड़ेगा यानी कि वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आप जैसे ही यहाँ पे पास की के ऊपर क्लिक करोगे नीचे की तरफ ऐड पास की आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पास की वाला बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आपके पास हो जाएगा और आपको यहाँ पे आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे आपकी जो फिंगरप्रिंट डालने की जगह है आपको वहाँ पे अपने फिंगर लगाना है तो आपकी जो बायोमेट्रिक है वहाँ पे आ जाएगा। आपको यहाँ पे यूज की लॉक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी ईमेल आईडी के अंदर फिर से एक ओटीपी जाएगा, आपको उस ओटीपी को यहाँ पे डाल के सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ से बैक कर देना है और उसके बाद आप यहाँ से बैक करोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे पास की बगल पे यहाँ पे एक ग्रीन टिक लग चुका है तो इसका मतलब है इसका जो काम है यहाँ पे खत्म हो चुका है। अभी आपको जो करना है ऑथेंटिकेशन ऐप आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और इससे पहले आपकी जो गूगल अकाउंट है, गूगल ऑथेंटिकेशन ऐप है, उसको आपको प्ले स्टोर के अंदर से डाउनलोड कर लेना है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 16 डिजिट का एक कोड आपको दिखा देगा, आपको उसके बगल पे कॉपी का ऑप्शन आएगा, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद नीचे की तरफ जो नेक्स्ट वाला बटन है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है।
उसके बाद आपकी जो ऑथेंटिकेशन गूगल ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन है उसको आपको ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी वो जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे आपको हो सकता है ब्लैक ब्लैक दिखाई दे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जैसे बोल रहा हूँ बस आपको वही काम करना है। आपको उसी ईमेल आईडी से आपको यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेशन के अंदर आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद नीचे की तरफ एक प्लस का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके नीचे की तरफ सबसे दो ऑप्शन मिल जाएगा, दो ऑप्शन आएगा आपको नीचे वाला जो ऑप्शन है एंटर ए सेटअप कोड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले अकाउंट नेम जो है आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है बाइनेंस। अगर आप किसी दूसरी एप्लीकेशन के अंदर एक कर रहे हो, अगर बायबिट के अंदर कर रहे हो तो आपको यहाँ पे बायबिट लिखना है। बायबिट लिखने के बाद वहाँ से आपने जो की को कॉपी किया था उस की को यहाँ पे ई और की की जगह पे आपको यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद ऐड की पर क्लिक करना है। जैसे ऐड की पर क्लिक करोगे तो आपके पास 6 डिजिट का एक कोड आपके पास होगा। कुछ सेकेंड के अंदर आपको उस कोड को देखना है और उस कोड को आपको ले आके आपको दोबारा आपकी जो बाइनेंस अकाउंट है आपको बाइनेंस अकाउंट को ओपन करना है। बाइनेंस अकाउंट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे वो जो कोड है उस कोड को यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे नीचे की तरफ जो सबमिट वाला बटन है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी जो ऑथेंटिकेशन जो गूगल ऑथेंटिकेशन ऐप जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन ऐप के बगल पे भी यहाँ पे इस तरह से ग्रीन टिक लग चुका है। इसका मतलब है आपकी जो अकाउंट है वो यहाँ पे पूरी तरीके से सिक्योर हो चुका है। अभी आपके अकाउंट को हैक करना काफ़ी मुश्किल होगा। इसके बाद आप अपनी इस एप्लीकेशन को यानी कि बाइनेंस एप्लीकेशन को आप पूरी तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हो, पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। इसके बाद आप अपनी चाहे कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू आप कोई भी बॉट के थ्रू टेलीग्राम बॉट के थ्रू कुछ भी माइनिंग करो, वहाँ से आप बड़ी आसानी से आप अपनी बाइनेंस अकाउंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे जो भी टोकन जो भी कॉइन आपको मिलेगा उसे आप बड़ी आसानी से बाइनेंस के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो और उसके बाद उसको आप यहाँ से सेल बाय कुछ भी कर सकते हो, ट्रेडिंग भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, किस तरह से बनाना है, किस तरह से आपको वेरीफाई करना है, किस तरह से आप कोई भी माइनिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू आप माइनिंग प्लेटफॉर्म के साथ आप अपने बाइनेंस अकाउंट को कैसे कनेक्ट कर सकते हो, प्लस आप अपनी बाइनेंस अकाउंट को कैसे सिक्योर कर सकते हो, सब कुछ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप भेजिए कौन से कौन करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उसके जवाब आपको बहुत जल्द देने का। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हो टाइम के साथ साथ जो नए नए माइनिंग प्लेटफॉर्म आता है जिसको आप माइनिंग करके बिल्कुल फ्री में उसका टोकन कलेक्ट कर सकते हो, उसका एयरड्रॉप से आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो, ये सब कुछ आप जानना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा बायबिट वॉलेट अकाउंट बनाना चाहते हो, टोन कीपर वॉलेट अकाउंट बनाना चाहते हो या फिर आप अपनी माइनिंग एप्लीकेशन के साथ आप अपने इन सभी अकाउंट को कैसे कनेक्ट कर सकते हो, ये सब कुछ जानना चाहते हो तो इन सभी चीज़ों के ऊपर पहले से डेडिकेटेड वीडियो बना के अपने चैनल के अंदर डाल के रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर इस चैनल की वीडियो लिस्ट के अंदर जाके आप देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आप सके ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।